मां लखना को नमन करता हूं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। चर्चा करेंगे 12 साल बाद काल पुरुष के प्रथम राशि प्रथम भाव में बृहस्पति का प्रवेश होने जा रहा है। इसके 12 वीडियो अलग अलग राशि के डिटेल में बनाए हैं, लेकिन अब ये वीडियो क्यों, क्योंकि 27 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति उदय होकर इस राशि में जब प्रॉपर अपने रिजल्ट देंगे तो उसका क्या फल होगा 12 राशियों पर, उसके अचूक महा उपाय। क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि 27 अप्रैल को गुरु पुष्य नक्षत्र में ये उदय होने जा रहा है। पुष्य नक्षत्र हर महीने ही कहीं ना कहीं पड़ता ही पड़ता है, हमेशा ही पड़ता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। और लेकिन जिस दिन गुरुवार के दिन ये नक्षत्र पड़े तो गुरु पुष्य योग कहते हैं, और अगर रविवार को पड़े तो रवि पुष्य योग कहते हैं। पुष्य नक्षत्र को 27 नक्षत्रों में सबसे इंपॉर्टेंट नक्षत्र माना गया है, और कहा जाता है हर काम इस समय सफल होता है। तो 27 अप्रैल काफी खास हो जाता है, क्योंकि गुरु उदय हो रहे हैं और इसका 12 राशियों पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए आपको ये एपिसोड सुनना, समझना और देखना है, और शेयर भी करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, उससे कंसल्टेशन चाहिए नीचे लिखे हुए नंबर पर ले सकते हैं। खैर, अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग 27 अप्रैल को बन रहा है। निश्चित तौर पर गुरु पुष्य योग यहाँ काफी खासम खास हो जाता है। 7 बजे से शुरू होकर सुबह 28 तारीख को सुबह करीब 6:30 बजे तक ये योग रहेगा, अपने आप में महान योग। अब इसमें 12 राशियों को आपको, आपकी अगर लग्न मेष है या राशि मेष है तो आपको सुनना है, मतलब इस राशि फल को लग्न या फिर चंद्र राशि के हिसाब से सुनना है, और आखिरी में 12 राशियों के उपाय बताएंगे। तो सर्वप्रथम मेष राशि वालों का हाल। मेष राशि वालों, निश्चित तौर पर आपके लग्न में पॉजिटिविटी का संचार होगा, सात्विकता, धार्मिकता, नैतिकता बढ़ने जा रही है, नौकरी व्यापार में लाभ होगा, धन पक्ष, संतान पक्ष, शिक्षा पक्ष, भाग्य बल बढ़ने वाला है, क्योंकि पंचम नवम दृष्टि है, वैवाहिक जीवन में लाभ मिलेगा, कोई खटपट चल रही थी खत्म होगी, शादी नहीं हो रही थी हो जाएगी, रुपए पैसे की स्थिति काफी बेहतर दिखती है। 12 राशियों को उपाय आखिरी में बताएंगे, तो नजरें बनाए रखिएगा, मेष राशि वालों का भी वहीं बताएंगे। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। तो वृषभ राशि वालों भाई, आपके 12वें भाव में खर्चों पर कंट्रोल करना जानेंगे, रोगों पर काबू आएगा, रोगों से निजात मिलेगी, कर्ज कम होंगे, आर्थिक पक्ष सुधरेगा तो नहीं लेकिन खराब भी नहीं होगा, नौकरी व्यापार में विदेशों से शुभ समाचार मिलेगा या वहां नौकरी लग सकती है। आर्थिक पक्ष में दिक्कतें जो थी वो बहुत ज्यादा कम तो नहीं होंगी लेकिन काफी हद तक खत्म हो जाएगी, कर्ज लेन देन से जरूर इस समय बचिएगा अगले एक साल तक। आर्थिक पक्ष खासतौर से सडन लाभ के लिए अच्छा रहेगा, पारिवारिक जीवन में खटपट बनी रहेगी, वोमेन वाइन से थोड़ा बच के रहना है नहीं तो दिक्कतें रहेंगी। उसी के साथ साथ खर्चों पर कंट्रोल रखना है, स्वास्थ्य पर पैरों का हिस्सा परेशान कर सकता है वहां पर भी ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। कैरियर व्यवसाय में जबरदस्त सफलता के योग, अगले एक साल तक गुरु यहीं रहने वाले हैं और अब उदय हो गए 27 को, गुरु पुष्य नक्षत्र में उदय हो गए, सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा, बड़े भाई बहनों से लाभ मिलेगा, छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा, मित्रों से लाभ मिलेगा, अचानक धन प्राप्ति की होगी, मल्टीपल धन योग बनते हैं, कैरियर व्यवसाय में लाभ के संकेत हैं, जितनी मेहनत करी थी उसका फल नहीं मिलता था तो इस एक साल में मिलेगा, आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत होगा, घर गाड़ी बंगला स्वयं से खरीद सकेंगे, संतान पक्ष से कोई संबंधित चिंता थी खत्म होगी, मैरिज में सिंगल चल रहे थे तो मिंगल होने के चांस बनते हैं। आपका भी उपाय लास्ट में मीन राशि के बाद। कर्क राशि वालों भाई, 10वें भाव पे ये गोचर क्या कहने जलवा है आपका, फाइनेंस फील्ड में नेम फेम कैरियर सब बेहतर होगा, शिक्षा विभाग में लाभ लेंगे, शिक्षा में रुकावटें खत्म होंगी, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में रुकावटें खत्म होंगी, आर्थिक पक्ष बेहतर होगा, नाम शोहरत चारों तरफ फैलेगी, नौकरी में पद बढ़ने जा रहा है या नई नौकरी में पद पड़ा मिलेगा, पारिवारिक जीवन खुशहाल दिखता है, आमदनी का स्रोत बढ़ने जा रहे हैं, संतान पक्ष से लाभ होगा, कर्ज लेन देन तला भुना खाना पेट की समस्या परेशान करेगी। महा उपाय लास्ट में इस वीडियो में। सिंह राशि वालों, कैरियर व्यवसाय में जबरदस्त सफलता के योग, पूर्ण भाग्य बली होकर आया है, हर चीज हर मुराद पूरी होगी,
धार्मिक रहेंगे, नैतिक रहेंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, रुपए पैसे की स्थिति बेहतर रहेगी, विदेशों से शुभ समाचार मिलेगा, विदेशों में सेटल हो सकते हैं, वीजा पीआर कहीं कोई इशू था क्लियर हो जाएगा। नन रुपए पैसे की बहुत अच्छी स्थिति दिखती है, व्यापार बढ़िया, आर्थिक पक्ष स्थिति अच्छी, नौकरी बढ़िया दिखती है, पारिवारिक जीवन खुशहाल, पैतृक संपत्ति में लाभ, पिता से संबंध बेहतर, अचानक धन प्राप्ति के योग। स्वास्थ्य के मामलों में घुटनों की समस्या थोड़ा परेशान कर सकती है। बात कर लेते हैं कन्या राशि, छोटी मोटी खटपट रहेगी घर में, ससुराल पक्ष से खटपट हो सकती है, लेकिन सदन धन के लाभ मिलेंगे, गुण विद्या में रुझान बढ़ेगा, ज्योतिष पठन पाठन या फिर वेद या आयुर्वेद या फिर जो मेडिटेशन, इन सब में रुझान, स्पिरिचुअलिटी में रुझान बढ़ेगा, पैतृक संपत्ति में लाभ मिल सकता है, अचानक धन प्राप्ति के योग है, कोई सडन जॉब मिल सकती है, अच्छा प्रमोशन हो सकता है, सडन लाभ के लिए ये एक साल काफी अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं तुला राशि, दाम्पत्य जीवन मधुर, अचानक धन लाभ के संकेत, रुपये पैसे की स्थिति काफी बेहतर, मित्र मंडली का बढ़ना तय है, भाई बहनों से प्रेम मिलेगा, कॉन्फिडेंस की जो कमी थी वो बेहतर होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन मधुर, प्रेम प्रसंग में लाभ, पैतृक संपत्ति में लाभ, नौकरी व्यापार में लाभ के संकेत हैं। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि, कर्ज लेन देन से बचना है, नौकरी व्यापार में शत्रुओं पर नजर रखनी है, खान पान ध्यान देना है, रुपये पैसे की स्थिति को कंट्रोल में रखना है, बहुत खर्च नहीं करना है, छोटे मोटे बीमारियों को दिखा लेना है डॉक्टर को, छोटी मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। उपाय मीन राशि के बाद इस एपिसोड के लास्ट में। धनु राशि वालों, अगले एक साल तक पंचम भाव में गोचर गुरु 27 अप्रैल को उदय हो रहे हैं, क्या रिजल्ट लाएंगे, प्रेम प्रसंग में लाभ, अगर गुरु मजबूत है कुंडली में तो, अगर राहु मजबूत है तो लिटिगेशन में फंस सकते हैं, गलत प्रेम में फंस सकते हैं, पार्टनर चीट कर सकते, शेयर मार्केट में बहुत फायदा हो सकता है अगर गुरु मजबूत है, अगर कमजोर है तो बहुत नुकसान हो सकता है, संतान की शिक्षा परेशान कर सकती है, संतान पक्ष से थोड़ा सा या तो बहुत लाभ होगा या नुकसान होगा, बीच का कुछ भी नहीं रहेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत दिखता है, रुपए पैसे की स्थिति बहुत बेहतर, प्रेम प्रसंग में लाभ, भाग्य का साथ, विदेशों से शुभ समाचार, अधिकारी वर्ग आपका साथ देंगे, कैरियर में लाभ के संकेत दिखते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बात कर लेते हैं मकर राशि, घर गाड़ी बंगले के योग बनते हैं, नौकरी व्यापार में लाभ, जो लोग फाइनेंस फील्ड में, बैंकिंग फील्ड में, एडवाइजरी फील्ड में उनको लाभ, शिक्षा जगत में उनको लाभ, लॉ फील्ड में उनको लाभ, रुपए पैसे की स्थिति काफी बेहतर, अपना घर खरीदने जा रहे हैं इस साल, अपनी गाड़ी खरीदने जा रहे हैं इस साल, रुपये पैसे के हिसाब से भी पैसे आसानी से आएंगे, पारिवारिक जीवन में जो खटपटती खत्म होगी, मानसिक सुख शांति बढ़ेगी। कुंभ राशि वालों, पराक्रम में बढ़ोतरी हो रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ा चढ़ा रहेगा, भाई बहनों से लाभ मिलेगा, पिता से संबंध बेहतर होंगे, पैतृक संपत्ति में लाभ मिलेगा, धार्मिक रहेंगे, समय बहुत अच्छा लाभ लेके आएगा, नौकरी व्यापार में प्रमोशन के संकेत दिखते हैं, रुपए पैसे की स्थिति काफी बेहतर, स्वास्थ्य के मामलों में छोटी मोटी खटपट डाइजेशन एरिया में रहेगी। मीन राशि वालों, अचानक धन प्राप्ति के योग, सैलरी रूटीन इनकम काफी बढ़ सकती है, कर्ज लेन देन से बचना है, कर्ज खत्म होने के चांसेस हैं, गुण विद्या में या गुण विद्या के अध्ययन में बहुत अच्छा करेंगे, उसमें लाभ मिलेगा, सडन धन लाभ के संकेत है, कैरियर व्यापार में तरक्की के योग बनते हैं, रुपए पैसे की स्थिति काफी प्रबल होगी, काफी तेजी से पैसा आएगा और काफी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। अब बात सब राशियों के महाउपाय की, क्यों, क्योंकि ये गोचर बड़ा अनूठा है, गुरु पुष्य के दिन गुरु उदय हो रहे हैं, तो मैंने कहा एक बार में देंगे, नारद पुराण के अनुसार कि गुरु पुष्य नक्षत्र में अगर गुरु की कोई गोचर हो जाए या गुरु उदय हो जाए तो अपने आप में बड़ा महत्व हो जाता है, बड़े वैसे भी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें निश्चित तौर पर बृहस्पतिवार के दिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः 12 बार पढ़ते रहना चाहिए, बृहस्पतिवार के दिन अगर पितृ दोष कुंडली में और कोई दोष कहीं भी कोई दोष है तो कोई अनुष्ठान कोई दीक्षा कोई अनुबंध बृहस्पतिवार के दिन करेंगे लाभ मिलेगा।
भगवान विष्णु की बृहस्पतिवार के दिन पूजा इस गुरु पुष्य नक्षत्र में 27 तारीख को विष्णु सहस्त्र नाम के साथ कर लीजिए, पूरे साल बृहस्पति साथ देंगे। जरूरतमंद को गुरु पुष्य नक्षत्र में अनाज, चने की दाल जिसमें खास तौर से, जल, वस्त्र, पैसा आदि का दान सामर्थ्य अनुसार करेंगे, निश्चित तौर पर गुरु की स्थिति कुंडली में बेहतर होगी। अब एक अचूक और महा उपाय, गुरु के उदय से और एक साल आपके ओवरऑल यहां रहने से बहुत लाभ है, लेकिन ये उपाय कर लिया तो ये लाभ बढ़ जाएंगे या कुछ कमी है कुंडली में की वजह से तो वो खत्म हो जाएगी। सत्तू, गुड़, पानी, घी या मिट्टी का घड़ा, क्योंकि गर्मी चल रही है नॉर्थ इंडिया में, देना बहुत लाभकारी रहेगा 27 तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र में। छोटा सा काम कर लीजिएगा, बड़े बड़े लाभ लेके आएगा। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, उससे कंसल्टेशन चाहिए नीचे नंबर पर लीजिए, फेसबुक ट्विटर का नीचे लिंक दिया जा रहा है, मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज के फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत धन्यवाद।